कंज्यूमर के राइट जी, सार्फीन के हकूक नहीं, किसी मतलब इस बात का मुझे पता ही नहीं, इलम ही नहीं है, जो बात आप कर रहे हैं वो मेरे जहन में बैठ ही नहीं रही। अपील करेंगे आप कहाँ पे कर सकते हैं? आई डोंट नो, यहाँ पे हकूक सार्फीन तो है ही कोई नहीं, आपको पता? सार्फीन के हकूक नहीं पता, कंज्यूमर राइट्स तो यही है कि इसका तो मेरे कोई आइडिया नहीं है वैसे। जहाँ भी ये कंप्लेन करते हैं जाके होते होंगे, मेरे तो मुझे तो इतना इलम नहीं है। नहीं ये तो देखें, ये तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे कि आप जहाँ पे कंप्लेंट कर सकें, तो आप क्या कह सकते? पता है लेकिन मानता कोई नहीं है। अवाम की अक्सरियत ला इल्म है कि सारिफीन के हकूक आखिर किस बला का नाम है। इस बेखबरी की सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्हें बताया ही नहीं गया कि एक आम शहरी के हकूक ही दरअसल सारिफ के हकूक हैं। देखिए जो कंज्यूमर एक्टिविज्म है वो अपने सिटीज़न राइट्स को, जो एक शहरी के या एक इंसान के हकूक हो सकते हैं किसी भी रियासत में रहते हुए, उन्हीं को एक्सरसाइज करना कंज्यूमर एक्टिविज़म है। और कंज्यूमर राइट्स जो हैं वो आपके सिटीज़न राइट्स से या आपके जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उन्हीं से सिमिलर होते हैं। सारिफ का लफ्जी मतलब इस्तेमाल करने वाला है, मुल्क का हर वो बाशिंदा जो खाने पीने की अशिया खरीदता हो, अद्वियात, इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई सवारी इस्तेमाल में लाता हो, खरीदार को हक हासिल है कि इसके साथ किसी किस्म की धोखादही न हो और न ही इससे जायद कीमत वसूल की जाए। इसके अलावा सरकारी इदारों या स्कीमों में सर्विसेज का मयारी होना भी सारिफ के हकूक में शामिल है। बात 5 रुपए की पर्ची वाले अस्पतालों से शुरू की जाए, तालीमी इदारों से या पुलिस स्टेशन में FIR के इंदराज से। इन सर्विसेज के गैर मयारी होने की सूरत में एक सारिफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल या कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट का रुख कर सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं। आम सारिफ को बिल्कुल किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, कोई ऐसी कैंपेन नहीं चलाई जाती कि जनाब हकूमत कौन सी सर्विसेज दे रही है, चाहे वो तालीम में है या सेहत में है या पानी के हवाले से है या इरिगेशन वाटर के हवाले से, ना प्राइवेट सेक्टर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जाती। यहाँ अभी तक एक माइंडसेट ये बना दिया गया है कि अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है, चाहे आपने ज़्यादा टैक्स दे के लिए, तो आप तो उसके शुक्र गुजार हों बजाय इसके कि आप उसको सवाल करें। तो बुनियादी स्ट्रक्चरल इशू है कि आपकी रियासत की कॉम्पोजिशन जो है, आपकी रियासत का जो किरदार है वो एंटी कंज्यूमर है, और कंज्यूमर में बहुत ज़्यादा एंटी पुअर कंज्यूमर है। आलमी सतह पर वर्ल्ड कंज्यूमर डे 1983 से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने 1985 में अक्वामे मुत्तहिदा के उस बिल पर दस्तखत किए जिसका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान के सभी शहरियों को बतौर सारिफ तस्लीम करते हुए कानून साजी की जाएगी, ताकि गैर मयारी अशिया की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लग सके, ताजिर और दुकानदार नाजायज़ मुनाफाखोरी से अवाम को न लूटें और सरकारी या गैर सरकारी इदारों की खिदमात बेहतर हों। लेकिन अब तक इस हवाले से होने वाली कानून साजी पर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ एक नेशनल लॉ होने की बजाय 5 मुख्तलिफ कवानीन की सूरत में मौजूद है। सिंध का अपना कानून है, बलूचिस्तान, NWFP, पंजाब और इसी तरह से फेडरल कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद, उसका अपना कानून है। और इन कवानीन में सिर्फ पंजाब का कानून है जो इस वक्त फंक्शनल हालत में है, जो चल रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है कि पंजाब के 11 अजला जो हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बन चुकी हैं, जो किसी ना किसी हद तक अपना काम कर रही हैं और सारफीन को तहफ़ फराहम कर रही हैं। सिंध का जो लॉ है वो ऑर्डिनेंस था, और ऑर्डिनेंस का एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो लैप्स कर जाता है। सिंध का लॉ 3 दफ़ा लैप्स होता रहा, रिवाइज़ होता रहा, मगर कभी भी सिंध असेंबली में पेश नहीं हुआ। पिछले साल वो फिर से रिवाइज़ हुआ है, मगर अभी तक उसे सिंध असेंबली में पेश नहीं किया गया। इसी तरह से जो NWFP का लॉ है उसमें 2007 में अमेंडमेंट्स आई, मगर अभी वो भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यही सूरत हाल बलूचिस्तान के कानून के साथ है। पंजाब में कुछ शहरों में ऐसे रियासती इदारे मौजूद हैं जो सारिफिन को उनका हक दिलवाने में मुआविन साबित हो सकते हैं।
लेकिन दूर दराज इलाकों में बसने वाले आवाम इन इदारों से सैकड़ों मील दूर मिलने वाले इंसाफ से खातिर खा फायदा हासिल करने में नाकाम रहते हैं। जिन शहरों में ये इदारे मौजूद हैं वहाँ आवाम के जहन में कंज्यूमर कोर्ट का नाम सुनकर पहला सवाल अदालती अखराजात या वकील की फीस का आता है। हालांकि पंजाब के 11 अजला में कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स भी मौजूद हैं जहां कोई अदालती खर्चा है न फीस अदा करना पड़ती है। किसी शहरी का गैस या बिजली का बिल इजाफी हो या वो किसी कंपनी की नाकिस प्रोडक्ट से बेजार हो तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल से राबिता कर सकता है। 923 रुपए का एक्स्ट्रा ऑर्डर बिल पाया 2330 रुपये, मैं वो भी बकाया जल देते ने। दसंबर च मैंने बिल फिर आया 4149 रुपए का, उस बाद मैंने फिर एक्स्ट्रा बिल नाल ला के भेजे बकाया जल 5633 रुपये, वो कहदे ने। अगर किसी सार्फ का बिल ज़्यादा आ गया या पेट्रोल उसे नहीं मिल रहा, सही कीमत पे नहीं मिल रहा, ज़्यादा कीमत उससे चार्ज की जा रही है, तो बग़ैर वो वकील के, बग़ैर कोर्ट फीस के हमारे पास आए, हम इंशाल्लाह उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।